नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में पता ही है, हम लोग आ चुके थे अपनी बहन के घर। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो कृष्णा मोम एंड फूड पे वो वीडियो है, आप जाइए और जाकर जरूर देखिए। तो यहाँ पे आने के मतलब हम सुबह ही आ गए थे, 4:30-5 बजे के करीब आए थे। 3:30 बजे हमारी जो ट्रेन है वो हजरत निजामुद्दीन जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे रुकी थी। उसके बाद वहाँ से कैब बुक कर दी थी भाई ने पहले ही, तो वो आ गई थी। और रेलवे स्टेशन से मेरी बहन का घर लगभग 22-23 किलोमीटर दूर है, शायद उससे ज़्यादा ही। आधा पौना घंटा हमें आने में लगा क्योंकि कोहरा इतना ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। और ये भी शुक्र है कि वन वे नहीं है, तो मतलब दोनों साइड से नहीं, एक मतलब एक ही रोड नहीं है कि दोनों साइड से आ रहे जा रहे, आने वाली अलग जाने वाली अलग है। तो जिसकी वजह से मेरे हिसाब से बहुत एक्सीडेंट बचते हैं जिस हिसाब से कोहरा था, नहीं तो एक ही रोड होती है, आने जाने वालों का पता ही नहीं चलता। तो खैर, यहाँ पे हम आगे थे और फिर सुबह ही उठे हम नहा धो के, फिर यहाँ पे कर रहे थे नाश्ता। नाश्ते में मेरी बहन ने बनाई थी सूखे आलू की सब्जी, दही और रोटी, और बस खाना वगैरह खाया। उसके बाद मेरी बहन कहने लगी बाजार जाने के लिए। तो जी, हमने नाश्ता पानी कर लिया अपना। ए जुराब तो पहन ले कुछ, ए बब्बू बाहर ठंड हो रही तो ज्यादा देख कर मुझे ज्यादा चढ़ो, जाके जुराब जुराब डाल ले। तो जी, हम जा रहे हैं अभी मार्केट, मोनिका को जाना है कुछ सामान लेने के लिए। तो मैं मोनिका जा रहे, प्योर हुई रह रही, बस नहाए भी ना, बाकी सब नहा ले। इनका पानी होने लग रहा है गर्म, और वो देख फिर गिरागा, फिर थारा इतना भी लाड ना दिखावे, उसका बेचारी का सिर थोड़ा तो लाड हुआ। अलार्म से गले लगा ले, अलार्म से देखो ये दोनों बहनों के कपड़े खर्च हो गए, ये खर्च हाँ हो गए। अरे खर्च मतलब ये सारे के सारे होने गए क्या रास्ते में? चलो देखेंगे, मिल गया तो ले आऊंगी कभी जोड़ा दो, नहीं तो फिर इनमें से पहनने होंगे। क्या भाई देख लो इनका अमर परे, ये ना दोनों, ये कृष्णा बस उससे कूस है 2 दिन बड़ा, इसका 28 का और उसका 30 का, दोनों बहन भाई हैं। ए देख, आए होए 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 होए, देख लो लाल चलो पीछे लो। तो हम जा रहे हैं जी, वहाँ पे मार्ट है, यहाँ पे कोई मॉल माल सा क्या है बराबर में, तो वहाँ जा रहे और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या मिल गया, तो फिर आके दिखाएंगे आपको। तो जी, मैं और मेरी बहन आ गए थे मार्केट। पहले हम गए मॉल, विशाल मेगा मार्ट भी था और एक और मॉल था, कोई VVIP मॉल करके था कोई। तो वहां से कुछ सामान लेके आई, ये लेके आई, मुझे भी एक दो जो चीज अच्छी लगी मैं भी लेके आ गई। उसके बाद यहाँ पे ये है एक तिब्बती मार्केट, इसको बोलते हैं, ये यहाँ पंचकुला में भी है, हाउसिंग बोर्ड के आसपास, जहां से मैं पहले भी शॉपिंग करके लाई थी। और इनके कपड़े इतने बेहतरीन होते हैं ना, इतने गर्म, थोड़े कॉस्टली जरूर होते हैं लेकिन बहुत ही बेहतरीन होते हैं। तो यहाँ पे इसने भी कुछ देखा, एक दो आइटम मैंने भी बच्चों के लिए एक दो आइटम देखी। और मेरी और दोनों, मेरी बहन दोनों की आदत ऐसी है कि हम दोनों को जो पसंद आ जाता है हम लेते हैं। और शॉपिंग का ही हम दोनों को इतना शौक है ना कि अगर हमें कोई छोड़ दे कि जाओ शॉपिंग करके आओ, तो हम सुबह से लेकर शाम तक मार्केट में ही घूमते रहे। आधे में तो हम दोनों ऐसे ही घूमते रहते थे रहे, मतलब कुछ लिया नहीं या कुछ पसंद नहीं किया, क्योंकि इसको भी शौक है कि चीजों को नई नईयों को देखने का, और मुझे भी। तो फिर हमने बाजार में शॉपिंग की और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे घर पे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी को राधे राधे। और टाइम जो है दोपहर का हो गया है, 2:15 बज चुके हैं और अभी ये दोपहर गए थे थोड़ा सा मार्केट में सामान वगैरह लेने, वो लेके आए हैं और आते ही थोड़ा वो जो है हेल्प करा रही है ये अपनी बहन की, और उधर वो भी लगे हुए हैं काम में। और यहाँ का जो मौसम है जी, आज मैं आपको दिखा दूँ, धूप जो है अभी हल्की हल्की निकलने लग रही है, हल्की हल्की। और यहाँ पे जो कॉलोनी है ये देखिए, यहाँ पे पता नहीं कौन सा 22 माला 23 माला 26 माले वाली बिल्डिंग है सारी यहाँ पे ना, और पूरी कॉलोनी जो है भरी हुई है, सारी कॉलोनी इस तरीके की है। तो बड़े शहरों में इस तरीके के फ्लैट वगैरह होते हैं जी। और यहाँ पे होगी क्या ये क्लास, क्लास चल रही है या वो चल रहा है ऑफिस? वही कह रहा, 4 बजे तक चलेगा, 5 बजे चाय बना दो। हाँ चाय, चाय तो मेरा मन कर रहा था चाय बना। अच्छी है, खाना तो खा लिया जी आपने तो, है ना? हाँ जी, खाना वगैरह ओके ओके। और यहाँ पे इधर भी दिखा दो आपको, एक रूम हो गया है मेरे ख्याल से, दूसरे रूम की अब हो रही है तैयारी। यहाँ पे मना करने के बावजूद भी इंदु लगी हुई है ना। हाँ तो क्यों ना करे, मेरी बुब्बो लग रही। हाँ
कहीं वैसे चले जाए तो चले, एक अलग चीज है, अपने बब्बों का घर अपना ही घर है, थोड़ी सी हेल्प करवाने में कौन सा छोटे हो जाएंगे, है ना बब्बो, बड़ी रहूंगी मैं तो तेरे का, मोनिका मैं बड़ी रहूंगी मैं तो तेरे का। और इधर भी ये देखिए यहाँ पे रसोई में भी चल रहा है अपना काम साफ सफाई वाला, क्योंकि सुबह जल्दी चले गए थे मार्केट और नाश्ता वगैरह करवा के, अच्छे से नाश्ता क्या खाना ही होगा तुम्हारा तो उस टाइम दबा के खाया उस टाइम ना, क्योंकि पता है मेरे ख्याल से 7-8 दिन बाद आज खाना खाया मैंने, तो बस टाइम पास ही कर रहे थे बाहर जाके, तो बस ऐसा ही था। और अब बच्चे चले गए हैं नीचे खेलने के लिए, उन्हें गार्डन का शौक हो रहा था, तेरे पार्क में जाना, पार्क में जाना, गार्डन में जाना, कौन सा गार्डन कौन सा है यहाँ आस पास, सोसाइटी का ही है, कौन सा गार्डन, चलो क्या पार्क, चलो क्या गार्डन में चले जाओ, अरे चाय पी लो पहले, चाय पी, चाय पी के चलेंगे, ठंड हो रही गर्माहट सी आ जाएगी थोड़ी सी, है ना, अरे यही तो यही भारी लेकिन सब दिन लगती इसमें बिल्कुल भी, दो है ना, एक है, बहुत भारी है, अभी मैंने बनवाई नहीं, दो ही जाई घर की, हाँ वो ऐसी है, वो भी बहुत गर्म है, हाँ ये तो कुछ कम बढ़ चढ़ा कर दो, बजन में भी भारी है, बहुत ही गर्म तो रही है। तो जी चाय आने लग रही है, अब चाय पी के फिर हमें भी जाना है थोड़ा सा नीचे, बच्चों को देख लेंगे क्या क्या खेल रहे हैं हमें, और हम भी खेल लेंगे और क्या, और क्या। तो जी घर आने के बाद यहाँ पे हम दोनों लग गए थे वापस अपने काम पे, क्योंकि सुबह हम चले गए थे, मैं और मोनिका दोनों चले गए थे, मोनिका जो है वो मुझसे छोटी है, लगभग 2-2.5 महीने मेरे से छोटी है, मेरा बर्थ अप्रैल का है और मोनिका का जून का है, 25 जून का, और मेरा 5 अप्रैल का है, तो 2-2.5 महीने मोनिका मुझसे छोटी है। और ये रहते हैं यहाँ पे, कहाँ रहते हैं ये, मैं राजनगर, ये कोई जगह है नोएडा में रहते हैं, मुझे ना सच में मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ दिल्ली नोएडा गाजियाबाद इनमें कि कहाँ को है कहाँ को नहीं, तो मैं तो सीधा फिर दिल्ली बता देती हूँ कि दिल्ली में, पर ये मतलब रहती है राजनगर है कोई, कहाँ को जगह है ये, नोएडा में है या गाजियाबाद में है कहाँ है वो नहीं मुझे पता। तो ये इसने आके किचन का काम संभाला, मैंने कहा चल अब मैं ऊपर का कर लेती हूँ, बैठे बैठे तो क्या ही करना, अब वो भी देखिए सुबह से लगी रही थी और मेरा भी ये था कि मैं बैठ के क्या ही करती, मैंने कहा चल दोनों करेंगे फिर उसके बाद दोनों आराम से बैठेंगे बातें करेंगे, क्योंकि सुबह से इतना टाइम भी नहीं मिला था, रात को हम लेट आए थे तो सुबह थोड़ा सा मैं तो ट्रेन में सो ही नहीं थी, पियू के डैडी बच्चे सो गए थे थोड़ी थोड़ी देर, फिर आके हम सारे लेट गए थे सो गए थे थोड़ी देर पहले, सुबह चाय ली, नाश्ता वगैरह हमने कुछ नहीं किया, आके हमने चाय पी थी अर्ली मॉर्निंग ही, फिर उसके बाद थोड़ी सी बातचीत की, फिर सो गए थे, 5 ही बज गए थे हमें सोने में, फिर सुबह 9:30 बजे हम उठे, फिर उसके बाद नहाए धोए नाश्ता पानी किया, और नाश्ता पानी करने के बाद हम लोग मार्केट चले गए थे, उसके बाद फिर आके मैंने झाड़ू वगैरह लगाई, मोनिका ने किचन के बर्तन वगैरह किए, उसके बाद यहाँ पे देखिए चाय बना के ले आई थी मोनिका, उसके बाद हम सारे पी रहे हैं चाय और बात कर। शाम का टाइम हो गया, शाम का बज गया 6 और पियू के डैडी और जिज्जा जी गए हैं नीचे, और मोनिका ने कर दिया खाना बनाने की तैयारी शुरू, क्या बना रही है देवी जी, मैं बना रही हूँ साग, मारा फेवरेट खाना, मारा फेवरेट देसी आदमियों का देसी खाना, साग तो है साग, अड्डो में चाहे बिना कुछ बना लो, सही बात है ना, इसकी ना सारी बात सही बात हो जी, या जितनी भी बात करे सारी सही बात है, बताओ गलत भी कह रहे थे उसे नहीं कहेगी, सही बात है इसका तकिया कलाम हो रहा, सही बात है, मैं कह दूंगी नहीं भाई सही बात नहीं, पहले लड़ेगी नहीं तुम्हारे साथ, मैं क्यों लड़ूंगी तेरे साथ, मैं तो डर दूंगी लड़ने का टाइम किस पे है, अपना काम खत्म करो डर क्या, सही बात है भाई, है ना सही बात, हाँ कहते ना मेरे मारने, नहीं सही बात है, सही बात, सही बात है बिल्कुल। तो यहाँ पे मोनिका ने साग उबलने के लिए रख दिया, अभी क्या करना, अभी तो इतना उबला गया, इतना बस मक्के की रोटी बनाऊंगी बस, ये तो उबल जाएगा, 2 सिट्टी में हो जाएगा ये तो, और बस इतना बैठेंगे चल बात करेंगे, और सही काम नीचे जा रहे, सही बात है ये हो रहा सुबह इसकी साथ आ गया जो भी गया बस सारी चीजों को सही हो, मैं गलत नहीं कहती थी किसी को, इसका तो क्या कलाम में ऐसा हो रहा कि चाहे कोई गाली भी दे हो जाओ खा, सही बात है चल बैठे हैं थोड़ी सी देर, जड्डा इतना लग रहा रजाई में से उठ का तो जड्डा लग रहा, जब तक कंबल में बैठे थे अंदर हीटर चल रहा, अंदर ही बैठे है क्या, अंदर बच्चे बैठे हैं बाहरी बैठ लेंगे थोड़ी सी देर, हाँ खा लिया मैं अंदर, मैं ही नहीं खा रही थी, तन्ना नहीं खाई तू खा ले, जी ने नहीं खाए, खाए उन्होंने भी
मतलब अब तो मैं ही खा रही थी, जो बच्चे हुए थे उन्हें तो मैंने खत्म करा। जैसे कि मतलब वो आ रहा है, क्या कह रहे हैं, 22 जनवरी आ रही है, क्या तैयारी करेगी? हमने तो दिवाली का सोच रखा भाई, भगवान करे दीवे दावे जला, क्या बढ़िया वो करेंगे। सही बात अभी सब खुद बोलते हुए पता लग रहा है सही बात है बोल रही। मुझे भी बहुत ही तेरी घड़ी मुझे सुंदर लग रही है ना, घोड़ो वाली है ना, ये गिफ्टेड है, को के बर्थडे पर मिली थी। अच्छा सुंदर लग रही है पर, है ना? अच्छी लग रही। अच्छा मतलब पीस से अलग से अच्छे लगे हैं लगे हुए। मैंने भी सोचा हुआ जिस दिन घर हो गया ना मोनिका, एक एक चीज संभाल संभाल कर ऐसी, ये जो फर्नीचर है बेड बोर्ड ये तो मैं करवा दूंगी फिक्स, भगवान करे जल्दी हो। नहीं ये तो मैं करवा दूंगी फिक्स वाला, जो हिले ही ना कतई भी। बाकी घर को डेकोरेट करने में कोई कमी नहीं, यही तो सपना है अपने घर का है। कोई नहीं भाई, पर ये है कि भाई कोशिश तो कर रहे, जब भगवान जी करेंगे तभी हो। मैं देखिए सही वो रहेंगे जहाँ देख घर तो वहाँ भी हो गए, पर जो बना हुआ है वो तो अपना ही होगा। कोई कुछ भी कहो, वो चीज तो है ही कि यहाँ ये अपना नहीं, आज निकल यहाँ तो सामान उठेगा ही उठेगा। ये चीज ऐसी हुआ है, हाँ भाई हमारी है, हाँ अच्छी तरह सजा से का सवार से कर, नहीं देख जा रहे साफ सफाई तो वहाँ भी सारा ही कुछ करना पड़ा भाई, देख जब रह रहे खा रहे तो, बल्कि अपने घर में नहीं इतनी होती मान हो रहे ना, कोई आ ना जाए, कोई मालिक ना आ जाए कि ले भाई कैसा कर रखा या क्या, ये तो बात है। पर फिर भी ठीक है भाई, जितना टाइम जिसका जहाँ लिख रहा हूँ इतना टाइम वहाँ खड़ा है, बस और कुछ नहीं है मुझे, बस 22 तारीख का इंतजार हो रहा। तो चल तो 22 तारीख को हम वही करेंगे इकट्ठे सारे होकर, फिर यहाँ कौन करेगा, तो मैं ही कर लिए वो भी तो तेरा ही है। वीडियो क्लिप बना के भेज दूँ यही से। अच्छा अच्छा कोई नहीं, क्या पता भगवान जी करे सारे एक जगह मिले, एक जगह मिला मैं बना, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता लगता राम जी की माया का। यहाँ पे अब तो सारी जगह ही आ रही है, एक्सत वगैरह आ रही है, इन्विटेशन आ रहा, चाहे हमारे तो आओ भी ना, हमारे तो है हमें क्या जरूरत है, पहले तो 14 साल बाद आए थे, अब भगवान बुलावा देवे भी ना, पप्पू देवे भी ना, सही बात है, भगवान बुलावा देवे लगा बुला लगा फिर नहीं आया। तो जी यहाँ पे देखिए सारा काम धाम होने के बाद पीहू के डैडी और जो जिजा जी हैं और बच्चे वो सारे चले गए थे नीचे की साइड, पार्क सही है, जो सोसाइटी में पार्क होते हैं ना वहां पे बच्चों को लेके चले गए थे। मेरे भाई का हो रहा था ऑफिस, वो जो उधर वाला रूम बंद है ना आपको पीछे नजर आ रहा होगा, इधर वाला टॉयलेट बाथरूम है जॉइंट है, और उधर जो रूम है उधर मेरा भाई था, क्योंकि उसका जो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है उसकी जो कंपनी थी वो शिफ्ट होने लग रही है, ऑफिस उसका जो है वो शिफ्ट हो रहा है, इसी वजह से सारे एम्प्लॉय जो है वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो वो आया हमारी वजह से था यहाँ पे, नहीं तो उसको अपने रूम पे जाना था। फिर जब उसको बताया मैंने कहा भाई आना है वहां पे, तो वो फिर आ गया था इसी वजह से। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद मोनिका और मैं, हम सब में ही ये आदत है चाहे हम कोई भी हो, हम अपनी बुआ के पास चले जाएं, बुआ हमारे पास आ जाए, हम अपनी बहन के पास चले जाएं, अपने घर भाभी के पास या किसी के भी पास या कोई हमारे पास आ जाए, हम सब में एक जेनेटिक बीमारी है कि हमारे पास जो भी चीजें होती है चाहे वो पहनने ओढ़ने की हो, नई हो साड़ी, जो भी कुछ हो, चाहे उसमें मैं और आशु ही क्यों ना हो या कोई भी क्यों ना हो, तो हम सारे एक दूसरे को दिखाते हैं कि हमारे पास क्या है कैसा है। और ये भी रहता है कि अगर उनमें से किसी को कुछ भी पसंद है, चाहे मान लीजिए मोनिका है, मैं उसको बोलती कि तुझे कुछ पसंद है तो तू ले ले, यहाँ पे मोनिका भी मुझे बोल रही थी कि तुझे जो पसंद है तू ले ले, मैंने कहा नहीं, वो असल में मेरे से छोटी है मोनिका, तो मुझे थोड़ा सा ना झिझक सी हो रही थी, तो मतलब बड़ा होता है तो थोड़ा सा एक हो जाता है कि चलिए हम छोटे हैं, लेकिन वो मेरे से छोटी है तो मुझे थोड़ा सा हो रहा था कि मैंने कहा नहीं। और फिर दूसरा बात, दूसरा ये था कि हम दिल्ली से यहाँ आए, मतलब गुजरात से सीधे आए, और तबीयत भी कृष्णा की ठीक नहीं थी जब हम यहाँ पे आए, और उसके बाद फिर ऐसे ही आगे मैं कुछ लेके भी नहीं आई थी। अगर ये होता कि चलिए मैं स्पेशल मोनिका के पास आ रही हूँ तो फिर मैं उसके कपड़े उसकी बेटी के और जिजा जी के लेके आती, क्योंकि मैं उससे बड़ी हूँ और मेरा हक भी बनता है, जो बड़े होते हैं देखिए कहीं ना कहीं उनका होता है अपने छोटों को देने का। लेकिन वो मुझे कहती रही कि देख ले तुझे कोई चीज पसंद आ रही, कोई सूट स्वेटर जो भी ज्वेलरी वगैरह कुछ भी पसंद आ रहा हो तो ले ले, अच्छे थे बहुत सारी चीजें अच्छी थी, मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैंने भी अभी शॉपिंग की थी तो सारी चीज थी। और देखिए ये तो इंसान का मन है, भरता नहीं है हर दूसरे की, मतलब अपने से ज्यादा इंसान को हमेशा दूसरे की चीजें ही अच्छी लगती है, पर कोई बात नहीं जी, हम बहने हैं एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद इसने मुझे दिखाई अपनी ज्वेलरी वगैरह जो थोड़ी बहुत और थी, एक दो जर्सी स्वेटर जो भी उसके पास था, मतलब जो वो मुझे दिखा सकती थी उसने दिखाया, और जो मैं देख सकती थी मैंने उसको देखा, बल्कि पहन के भी मैंने देखी है एक दो चीजें, साड़ी भी उसकी उसने फिक्स कराई हुई थी, सूट भी मैंने उसके डाल के देखे, स्टॉल भी। तो बस ऐसे ही अपना टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं लगा। तो देखिए बस यहाँ पे अभी भी हम देख ही रहे हैं, और इसके बाद हमें करना था शाम के खाने की तैयारी, तो उसके बाद हमने की है वो। तो वीडियो रोकती हूँ मैं यहीं पे, कैसी लगी जरूर बताइएगा, अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अगर वीडियो सब्सक्राइब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलूंगी जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।